मैं एक वचन करा भी कई लोग हिंदू परंतु करते अंग सिंह जड़े चटंगे छकते फकरे छकते महाराज दशमेश पिता जी श्री पौंटा साहब विखे शेरगढ़ साहब का ना अस्थान है उत्थे चिट्टे शेर का शिकार कर गए उधरों जो पाकिस्तान वाल बनता पंजाब आ और कोई जमरौत के इलाके चो सिंधी परिवार महाराज को मिलने वास्ते उतों आए उचेचे तौर पर कूड़िया आनंदपुर साहब के आनंदपुर साहब तो पहुंचे पौंटा साहब महाराज उधरों शेर का शिकार कर गए जी। तो माता जी ने आके उन्होंने जल पानी छकाया सारे पूछया उन्होंने भी पूछया जी महाराज के वजह हैं किन्ने सोहने हैं की करते हैं असी तो गुरु नानक साहब जी के सिखा से किवें पातशाह तक नी जानते सो सू पता नहीं दर्शन कर रहे हैं। माता जी कहते हमें आ जाएंगे तुम आप ही दर्शन कर लियो। जो उन्होंने दसिया माता जी ने भी आवाज भी रखते हैं नगारे भी सिखाते हैं शस्त्र विद्या का अभ्यास भी करते हैं सिंह भी तैयार करते हैं कि शिकार भी जो उन्होंने इन्नी गल की सतगुरु सच्चे पातशाह आ गए उधरों महाराज ने शेर का झटका करके आए शेर का उधार करके आए नाल बारह रोज को तीर का सिट के आए जी। महाराज के लहू लिबड़े अस्त्र भी सतगुरु आद सारी माता जी को नमस्कार की संगतान फतेह कलाई बुलाई थे अंदर बस्त्र बदल चले गए महाराज के लहू पीछे बस्त्र देख के तो सिद्धी परिवार जो नक् चढ़ा लग पे महाराज के सुरजीत कहने से बाज रखते ने बाज मीट खाता होगा बाज ये करता होगा इन्होंने लहू पीजे कपड़े ने प्यो जिन्हें सिंधी परिवार सन किंतु करते महाराज सच्चे पातशाह नाल ही अंदर तक पुजो बस्त्र बदल गए साई तक के जो आए ना आके महाराज सच्चे पातशाह ने नमस्कार की सारी संगत को फतेह बुलाई संगत ने भी नमस्कार की सतगुरु अपने आसन से सज गए सतगुरु का बड़ा सोहना एक बहुत ही सुंदर पाठा साहब के चेयर टाइप पुरातन राज सिंहासन हों आसन महाराज उत्ते जो सजे तो महाराज कहें भी भाई थोड़े सवाल का जवाब देिए संगत ने कहा हाँ जी महाराज कहते तो सारे सवाल थोड़े सू पता लग गए क्योंकि सतगुरु जानी जान है अंतर जामी सतगुरु पूरा जानते ने महाराज घर घर की महाराज कह लगे सोईया छत्री को पूत हो बामन कौन है छत्री को पूत हो बामन कौन है कहता प्यावत है जो करो अरे और जंजात जित हो ग्रह पूत इत्याग कहाँ जित कहाँ करो अब रीज कह दे हो वह हमको मर जाए हो जाए खुश हो के मन से पीते अब रीज कह दे हो वह हम जो हाँ बेनती कर जोर करो जब आपकी औद निदान बने अति ही रण में तब जूझ मरो कहते हो मैं छतरी का पुत्र हाँ मेरे दादा जी गुरु हरगोबिंद साहब आप अनेक शेरां दे शिकार करती रही ते अज साडा पुरातन इतिहास आ जो बाबा राम राय फौजा नाल लै के बाबा अनी राय जी नू नाल लै के गए ना ते औरंगजेब ने तो हल जवाब करने वास्ते सद्या ते सब तो पहले जांदिया उन्हां पंज बकरे भेड कीते गुरु हरगोबिंद साहब जी तो सानू आप शस्त्र दी साडे शस्त्र ने किते दुध नहीं पीना इन्हें खून ही पीना ते तुहाडे किन्नेक दे सिर वड्डीए ते खून दईए महाराज ने तीन चीज़ां मुक्ति दसी आ ते चटंगा जिहड़ा वा वो मुक्ति दे विच तीन चीज़ां कुत्ते घोड़े ते बकरे च मुक्ति दसी महाराज ने क्योंकि तो समा तुहानू बाद च फिर दसांगे कि घोड़े च ते मुक्ति किवें आ ते बकरे च कुत्ते च ते तिन्नां नू लोकी समझदे नहीं इन्हां दी मुक्ति आ जिहड़ा मुड़ के बंदा बिमार बन के आउंदा वा सतगुरु सच्चे पातशाह ने दस्सिया वी असीं शस्त्रधारियां सानू राजे रजवाले वी आप भेटा करदे ने जो औरंगजेब कहिंदा इन्हां नू पंज बकरे देणे आ ते ऐ करिए इक बकरा आ दे जिहड़ा शाहजादा मुअज्जम जिहड़ा सी उहनू रखदा सी पालदा सी उह बकरा देता ने कहा वी असीं परख लवांगे खालसे दी परख ते उन्होंने कहा भी आह बकरा भी दिता भी वह बकरा बाबे राम राय ने कहा वो आह बकरा जिहड़ा दिखाई दे ना आपां मैनू दिल्ली ते दिल्ली जी आंदे इहदे ना सारे फुल फल रख लिया जी गोहे हड्डी मास फुल फल सब रख लियो इकट्ठा कर लियो साडी प्रीख्या होनी है क्योंकि गुरु पुत्र सन जाणदे सन महाराज ने बत्तर कला दे के भेजिया जी ते जदों फिर कला जदों वरती ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਡਾ ਕੀਤਾ ਨੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਲਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਖਰੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟੱਕ ਦੇਤੀ ਸ਼ਾਹਜਾਂ ਦਾ ਮੌਜਮ ਦੇ ਬਕਰੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤਰਨ ਤਰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੱਕਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਸਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਚੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ
ਫੌਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪੜ ਪੋਤੇ ਸਨ, ਪੋਤੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ, ਪੜ ਪੋਤੇ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਰੁਮਾਲਾ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਵਰਦਾ ਆ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਬੱਕਰਾ ਤੇਰ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇ, ਤੇਰ ਲੱਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਥੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਖਾਧੀ ਕਾਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਲ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਫਲੀ ਪਾਵੇ, ਲੋਮੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।